स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डी एस थापा। स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज कर्व्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है उसमें कुछ चीज़ें प्रीवियस वीडियोज में मैंने शेयर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट कर्व्स। कर्व्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले कर्व्स को जान लेना है। CURVES कर्व्स। देखिए स्टूडेंट्स लाइन अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होते हैं और कर्व लाइन। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर सीधे हम ड्रॉ करते हैं दिस इज लाइन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। सीधा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दीज आर स्ट्रेट लाइन्स, ये क्या है इनको क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन्स। अब इनको हम इस तरह अगर ड्रॉ करते हैं दीज आर कर्व्स लाइन्स, इनको कर्व्स कहते हैं जो इस तरह मुड़ जाते हैं राइट ऊपर नीचे अप डाउन इस तरह क्या होता है वेव की तरह चलते हैं, तो इनको हम कहते हैं कर्व्स लाइन। ये कौन सी लाइन है कर्व्स लाइन। अब कर्व्स देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, ओपन कर्व्स क्लोज्ड कर्व्स। अब ओपन कर्व्स देखिए अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरह ड्रॉ करते गए और इस तरह छोड़ दिया दिस इज ओपन कर्व्स। नेक्स्ट अगर हमने इस तरह कर लिया, देखिए एक कर्व्स इस तरह ड्रॉ किया और इसको क्या कर दिया हमने क्लोज कर दिया दिस इज क्लोज कर्व। अब ओपन कर्व और क्लोज कर्व में देखिए क्या हो रहा है, हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पे नहीं आए तो ओपन रह गया ये, और यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और स्टार्ट करते करते वापस उसी पॉइंट पे आ गए दैट इज क्लोज्ड कर्व। ये क्या हो चुका है क्लोज हो चुका है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ये ओपन कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व। तो स्टूडेंट्स क्लोज्ड कर्व के लिए जरूरी है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं इस तरह वापस घूम के उसी पॉइंट में अगर आप पहुंच जाते हैं तो दिस इज क्लोज्ड। देखिए अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट किया आपने घूम फिर के वापस वहीं पे नहीं पहुंचे तो ये क्या हो गया ओपन कर्व। सो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। सपोज मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ दिस इज क्लोज्ड कर्व और इस तरह देखिए ड्रॉ कर दिया मैंने ये ओपन हो गया क्योंकि स्टार्ट पॉइंट पे वापस ज्वाइन नहीं हो पाया है यहाँ से ओपन हो चुका है तो दिस इज ओपन कर्व। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को समझते हैं, सपोज दिस इज एनी क्लोज्ड कर्व। नाउ स्टूडेंट्स क्लोज्ड कर्व के जो इंटीरियर अंदर को पार्ट होगा उसको इंटीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं इंटीरियर। सपोज ये ए हो गया पॉइंट ए पॉइंट पी पॉइंट एस ये सारे क्या है इंटीरियर पार्ट पे इन इसको कहते हैं हम इंटीरियर इंटीरियर। नाउ एक्सटीरियर जो क्लोज कर्व के जो बाहर साइड को यानी आउटसाइड जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे कोई सी पॉइंट है यहाँ पे कोई बी पॉइंट है यहाँ पे कोई एम पॉइंट है तो सारे जो ये पॉइंट बी एम सी हैं दीज आर एक्सटीरियर दीज आर एक्सटीरियर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आ गया इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन्स जो इसके इनसाइड को पार्ट होता है इसको इंटरनल जो इसके अंदर को होता है उसको इंटीरियर कहते हैं और जो इसके बाहर को होगा यानी इस क्लोज्ड जो कर्व है इसके बाहर साइड जितने भी पॉइंट होंगे उसको एक्सटीरियर कहते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर फिगर से देखिए इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो गया ए पी एस ए कोमा पी कोमा एस दीज आर इंटीरियर पॉइंट। नाउ एक्सटीरियर पॉइंट इज व्हाट बी सी एंड एम बी सी एम ये क्या हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। इसके अलावा सपोज कोई पॉइंट्स इस लाइन पे आ गया कर्व लाइन पे आ गया यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया सपोज ये एल हो गया और ये जेड हो गया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ना इंटीरियर पे है और ये ना एक्सटीरियर पे है तो स्टूडेंट्स इनको कहते हैं ऑन द कर्व
ये कर्व पे होगा स्टूडेंट, ऑन द कर्व कहते हैं इनको। तो यहाँ पे एल एंड जेड, एल कॉमा जेड आर ऑन द कर्व, कर्व पे है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सपोज आपसे कह दिया जाए कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए और उसमें कुछ पॉइंट्स, जैसे आपसे कह दिया ट्रायंगल में ए पी एस को इंटीरियर में दिखाइए, तो हम इंटीरियर मींस अंदर को दिखाएंगे इस तरह, ए पी और एस इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट बी सी एम, तो इसको क्या करेंगे आप ट्रायंगल से बाहर कहीं भी इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, कहीं पर भी कर सकते हैं बाहर को। तो ये हो गया बी सी एम। नाउ ऑन द कर्व या फिर ऑन द लाइन कह दिया या फिर ऑन द ट्रायंगल कह दिया, अभी ट्रायंगल है तो ऑन द ट्रायंगल कह सकते हैं। तो ऑन द ट्रायंगल में देखिए एल कॉमा जेड, तो यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, ये एल एंड ये जेड, इन पे यानी ऑन द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के साइड्स पे कहीं भी आप इनको लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।